बिजनेस टाइकून रॉबर्ट वाड्रा ने आज कहा कि सरकार को ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इसका असर लोगों पर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जनता के हित में इस सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों पर ध्यान देना चाहिए जो लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत ही अन्याय हो रहा है। इस सरकार को लोगों के हित में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, मतलब कि उसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए आम लोगों के लिए। और जहाँ भी मेरे दफ्तर के बाहर और घर के बाहर जितने भी लोग आते हैं, वो मैं आपको साफ बताऊंगा, वो अब साइकिल पे आ गए, वो ना अपना मोटरसाइकिल या कोई भी ऐसी वाहन नहीं ले सकते हैं जिसमें पेट्रोल के इतने खर्चे उनको डालना पड़ते हैं अपने सैलरी से या जो भी तनख्वाह उनको मिलती है। वैसे भी आपको पता है कोरोना के वजह से सब अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब बिकॉज अमेज़ॉन वगैरह के वजह से सारे चीज़ें जो भी होती है वो आपको घर पे मिल जाती है, तो लेबर सबको हटा दिया गया है, तो उनके पास काम ही नहीं है, तो वो कहाँ से कमाएंगे जो अपना पेट्रोल भरेंगे, इतने महंगे पेट्रोल और डीजल भर के अपनी वाहन इस्तेमाल करेंगे। और कोरोना के वजह से मैं बताऊँगा कि इतना सब लोग अपने हेल्थ के बारे में देखते हैं, जितने भी अस्पताल जाते हैं, जो उनके बुज़ुर्ग लोग हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो अगर अस्पताल जाएंगे वो उसी पैसे को इस्तेमाल करेंगे अपने हेल्थ के लिए, और वही कीमत वो अपना पेट्रोल पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरा कहना ये है कि वही बैलेंस हो गया है कि जितना पैसा पेट्रोल और डीजल पे खर्चा होता है उतना ही अपने हेल्थ पे करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो ज़रूर मैं बोलूँगा कि आम व्यक्ति को देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ना तो उनके पास काम है, और अगर काम है जो भी थोड़ा सा भी कमाई करते हैं वो मतलब अपने हेल्थ के लिए रखेंगे, वो पेट्रोल डीजल नहीं भर सकते हैं तो वो साइकिल चला रहे हैं, वो मतलब कि किसी भी साधन से अपना गुजारा कर रहे हैं। राहत मिलनी चाहिए, बिल्कुल जरूर मिलनी चाहिए। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।